केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का बड़ा बयान सामने आया। फ्रीवीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप का स्वागत करता हूं, सरकारी धन के दुरुपयोग पर बहस होनी चाहिए। हमारी सरकार की योजनाएं जनहित की हैं, केंद्र की योजनाएं महिला सशक्तिकरण और स्वाभिमान की हैं। आगे उन्होंने कहा कि लाडली बहना योजना हो या कोई भी योजना हो, महिला सशक्तिकरण की इससे बेहतर मिसाल नहीं हो सकती। हम योजनाओं के थर्ड पार्टी असेसमेंट के लिए तैयार है। ये बयान सामने आया है केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का। तो आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दो राज्यों को नोटिस थमाया था चुनावी घोषणाओं पर, और उसी को लेकर बयान सामने आया केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। उसमें उच्चतम न्यायालय की तरफ से जो हस्तक्षेप हुआ है, वो हस्तक्षेप स्वागत योग्य। मैं सबसे पहले तो उसका स्वागत करता हूं कि चुनावी राजनीति में जिस प्रकार से सरकारी धन के बारे में दुरुपयोग की चर्चाएं होती हैं, उस पर एक विमर्श होना चाहिए। और मैं इस बात से भी खुश हूं कि लोकतंत्र का वो चौथा स्तंभ जो से हम न्यायपालिका कहते हैं, अगर वो इस संवाद को शुरू करती है तो आने वाले समय में भारत की अर्थव्यवस्था, उसकी प्रगति की गति और भी बेहतर होगी और हम अपने आने वाली पीढ़ी को और सुंदर भविष्य देने में सफल होंगे, ऐसा मैं भी मानता हूं, मेरी पार्टी भी मानती है। और चलिए खबर पर ज्यादा जानकारी उनका लेते हैं। मनोज जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई मंच से कह चुके हैं कि फ्री वीज का वो समर्थन नहीं करते, अब सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर प्रहलाद पटेल का बयान सामने आया, उन्होंने टिप्पणी का समर्थन किया है, कैसे देखा जा रहा है? देखिए, प्रहलाद पटेल का बयान नहीं है बल्कि भारतीय जनता पार्टी का बयान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में आकर उन्होंने बयान दिया। वो केंद्रीय मंत्री है और प्रधानमंत्री मोदी जिनका आप जिक्र कर रही हैं, वो तो पहले ही ये कहते रहे कि फ्रीबीज नहीं होना चाहिए, हम आप ऐसा काम करिए जिसके कारण सरकार जनता आपको समझे और आपको चुने। लेकिन अच्छी बहस छिड़ी है जब सियासत यानी पांच राज्यों में चुनाव होना है, ऐसे में राजस्थान की तरफ से कुछ फ्रीबीज दिया गया है जैसे सुप्रीम कोर्ट ने भी जिक्र किया, मध्य प्रदेश का भी उसमें जिक्र है, बहुत सारी ऐसी योजनाएं अभी अभी लॉन्च हुई है, तो एक तरह से सवाल उठा दिए। अब सवाल जब उठे हैं तो इस पर बहस गरमाएगी और ये बहस का मुद्दा है भी, फ्रीबीज आखिर कब तक आप इसके नाम पर वोट पाते रहेंगे, सत्ता में पहुँचते रहेंगे? पर समय की बड़ी कीमत है प्रशंसा। प्रहलाद पटेल भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पहुंचते हैं जब ओबीसी का मुद्दा भी गरमाया हुआ है और वो सरकार की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, तो ये बताता है कि प्रहलाद पटेल भी किस जिम्मेदारी में है। तो अब ये समझ आ रहा है कि फ्रीबीज को लेकर एक नई बहस छिड़ चुकी है, अब इसका कितना असर आने वाले दिनों में दिखेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें हस्तक्षेप किया जिसका उन्होंने स्वागत किया और कहा कि हमारी सरकार यानी केंद्र की सरकार भी ये नहीं चाहती है कि इस तरह आगे बढ़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी की साफ लाइन है, फ्रीबीज ना देते हुए उन लोगों को सशक्त करने की बात करना चाहिए जिनको जरूरत है, लेकिन फ्रीबीज जैसी योजनाएं पर सवाल सुप्रीम कोर्ट ने भी उठा दिए हैं, एक नई बहस को छेड़ दिया। आने वाले दिनों में बहस ये राजनीति को किस तरफ लेकर जाएगी, ये दिलचस्प हो। बिल्कुल, लेकिन फ्रीबीज को लेकर उन्होंने मैसेज तो एक दे दिया। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए मनोज जी, और तमाम जानकारी के लिए।